Hi guys, welcome to Rinky's Angel again. Yes, I am back with the monthly forecast for you guys. So yes, like मैंने last month post किया था, आप सारों ने काफी ज़्यादा प्यार दिया हुआ है, काफी सारे comments दिए हुए हैं. So thank you so much for that. और अभी हम February के लिए forecast करेंगे. Basically देखेंगे कि cards आपको क्या बोल रहे हैं. कौन सी चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीज़ से आपको थोड़ा बचकर रहना चाहिए. तो आपको वो तीन कार्ड में वो सब पता चलेगा. उसके साथ साथ जैसे मैं एक एंजल मैसेज करती हूँ, इस महीने भी मैं एंजल मैसेज कर रही हूँ, बट थोड़ा डिफरेंट है. जो कार्ड जो डेक मैं ये यूज़ कर रही हूँ वो है रोमांस एंजल्स बाय डॉरन वर्च्यू. क्योंकि ये मंथ ऑफ लव है बेसिकली, तो ये रोमांस एंजल्स मैं यूज़ कर रही हूँ. इस रिलेटेड आपको जो मैसेज मिलेगा वो पर्टिकुलरली आपके रिलेशनशिप के बारे में मिलेगा, आपके पर्टिकुलरली पार्टनर के बारे में मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए उस रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए, उस प्यार को बरकरार रखने के लिए. तो वो आपको इस कार्ड्स में पता चलेगा. उसके साथ साथ मैं बहुत सारी चीज़ें अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करती हूँ. जैसे मैंने 1 February को पोस्ट कराया है कार्ड ऑफ द मंथ, वो भी यही डेक से है. जस्ट इन केस अगर आपको वो चेक करना है तो प्लीज़ सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, आप वहाँ से हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़िए. एंड वी मूव ऑन टू वर्गो यानी कन्या राशि. मैं आप लोगों के लिए 3 टैरो कार्ड्स पुल आउट कर रही हूँ और एक एंजल मैसेज. इस महीने का एंजल मैसेज जैसे मैंने आपको बताया वो होगा रिलेशनशिप के रिगार्ड्स में. तो देखते हैं टैरो कार्ड्स आपको इस महीने क्या बता रहे हैं. तो फर्स्ट कार्ड हमने निकाला हुआ है वो है द वर्ल्ड. कहीं ना कहीं टैरो कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि आपकी जो लाइफ है ना, एक परफेक्ट लाइफ है. आप उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, बट टैरो कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि आपने ना लाइफ में सब कुछ देखा है, सुख दुख, हैप्पीनेस सैडनेस. कहीं ना कहीं जैसे बोलते ना, एक कंप्लीट पैकेज है. आप इंजॉय कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके इमोशंस है, आप फाइनेंशियली एवरेज अबव एवरेज चलता रहता है ये दौर. तो कहीं ना कहीं एक परफेक्ट लाइफ है. फेब्रवरी में आपको एक चीज़ जो टैरो कार्ड्स बता रहे हैं, जिस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए वो है फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड. आपको हर एक चीज़ के लिए लाइफ का थैंकफुल करना है. मतलब कैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपको मिला है, जो आप पोजिशन पे हैं, जैसी लाइफ है उसके बारे में भगवान का शुक्र करें. जो भी चीज़ आप एक यूनिवर्स का शुक्र करें कि यू नो यू हैव अ ब्लेस्ड लाइफ. आप जो भी हैं, आज जैसे भी हैं, बहुत ही बेटर हैं, बहुत ही. जो आपने आपका पास्ट देखा और आप अपने आप को आज कंपेयर करते हो तो आप खुद देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. सो ये कार्ड आपको बता रहा है योर लाइफ इज कम्प्लीट, इट्स अ पैकेज. यस, इट्स अ पैकेज. Second card we have for you is Queen of Pentacles. Next two cards, in fact, we have both bright cards. आप देख रहे हैं ये दोनों ही येलो कलर के कार्ड्स हैं, which tells you कि you know एक satisfying वाली feeling है. अभी आपके जो dreams है ना वो बड़े होते जा रहे हैं. आप जितना आपने enjoy कर लिया, सब कर लिया, अब आपको ऐसे लग रहा है नहीं, मुझे comfortable life चाहिए, मुझे life की सारी luxuries चाहिए, मुझे पैसा, घर, गाड़ी, सब कुछ चाहिए. तो अब जो चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जा रही है. उसी के साथ आप हार्डवर्क से नहीं घबराते. यू नो आपको लगता है कि अगर मैंने बड़ा सोचा है तो मुझे उसके लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी. जैसे बोलते हैं कि पैसा कमाना आसान नहीं होता, तो आप वो चीज़ के लिए रेडी हैं, आप वो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर चुके हैं अपने आप को. तो ये महीने आपको यही बता रहा है, इट्स गोना बी अ गुड मंथ फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप, आपके इमोशंस, एवरीथिंग लुक्स रियली नाइस. Now the angel message, which is about your relationship, is finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. तो कहीं ना कहीं angels आपको बता रहे हैं कि जो finance related, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि finance का मतलब जो है average है, above average है, but उसको involve अपने relationship में मत कीजिए. You know life में आप पैसे को over relationship मत treat कीजिए. हर एक चीज़ में पैसे को इन्वॉल्व नहीं करना होता है. कई बार आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत ही अनमोल होते हैं. आपको उसमें यू नो एवरी टाइम यू डोंट नीड टू प्रूव द अदर पर्सन दैट यू आर पेइंग सो मच. तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बट लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस ला सकती हैं. सो इट्स बेटर यू बी वेरी वेरी यू नो लाइक
से मतलब कैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा आपको काम रहना है, काम रहना है, मतलब हर एक चीज में पैसा पैसा. आप थोड़े रिलैक्स कीजिए, थोड़ा काम डाउन कीजिए. जैसे लाइफ चल रही है, ऑल द कार्ड्स दैट वी हैव फॉर यू आर रियली नाइस एंड पॉजिटिव. हर एक कार्ड आपके लिए बहुत ही ब्राइट है. इसका मतलब आपका फरवरी बहुत ज्यादा अच्छा महीना रहेगा. बट कई बार कहते हैं ना कि कोई चीज को दिमाग पर नहीं चढ़ना है, तो आपके लिए एंजल मैसेज यही है, प्लीज बी वेरी केयरफुल विद योर वर्ड्स. जो आप बोलते हैं, जो आप अपने शब्द निकालते हैं मुंह से, उसके बारे में बहुत बहुत केयरफुल रहिए. प्लीज कहीं बार कोई वर्ड्स आपकी टंग से निकल जाते हैं, वो हम उसको वापस नहीं ले सकते और वो आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस इज अ एडवाइस फॉर यू फ्रॉम द एंजल्स, सेइंग दैट कि बहुत केयरफुल रहिए आप क्या वर्ड्स यूज करें. शायद आपके मन में ऐसा कुछ नहीं रहेगा, बट कई बार गुस्सा गुस्से में हो जाता है. सो जस्ट दैट बी वेरी वेरी केयरफुल विद योर वर्ड्स. यस, दिस इज अबाउट टैरो रीडिंग्स फॉर यू फॉर फेब्रुअरी. आई होप आपको ये पसंद आया हो. प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.